नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट COP28 में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं। दुबई पहुंचते ही उनका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। सबसे खास बात यह है कि दुबई में अगले साल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की शानदार जीत के नारे लगाए गए। दरअसल पीएम जब दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां रहने वाले भारतीयों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान वहां रहने वाले भारतीय मूल के भारतीय डायस्पोरा के लोगों ने सारे जहां से अच्छा भी गाया, भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी के सामने अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार के नारे लगने भी शुरू हुए। वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। भारत में अभी 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं। 3 तारीख को नतीजों का इंतजार हो रहा है। लोकसभा चुनाव तो अगले साल है, लेकिन भारत से करीब 2200 किलोमीटर दूर दुबई में पीएम के पहुंचने पर मोदी की जीत के नारे लगने लगे। ये तस्वीरें देखिए, दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही उनका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जोरदार स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय समयानुसार आज दोपहर में उनका संबोधन होगा, जहां वो दुनिया को पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश देंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का दुबई में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहां रहने वाले भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी के सामने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था, बहुत मोटिवेटिंग मोमेंट था। उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हम स्टूडेंट्स को स्पेशली। मोदी जी ने जितना टाइम हम लोग को दिया, जितना कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, वो सब देखकर हम स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं अभी, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे हमेशा। अच्छा मौका था एंड इट वाज ऑलवेज द वर्थ द वेट। हमें मोदी जी से मिलने मिला एंड हमने दूर से ही उनको क्लिक किया, लेकिन एक बहुत अच्छा ये था, एक लाइफ में किसी को एक प्रिविलेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा, अहो भाग्य धन्य हो गए। आज UAE में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला, भारत का हीरा है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी कैसे दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम के सामने पारंपरिक डांस किया, तो वहीं दुबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और विदेशी जमीन पर अपने प्रधानमंत्री से मिलकर ये लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। फॉर ग्रेट कॉज द ग्रीन कॉज द कॉप 28, दिस इज इंडीड समथिंग द नीड ऑफ द आवर एंड द लीडरशिप दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज शोन इन दिस इज इंडीड हार्टवार्मिंग एंड इंस्पायरिंग। तो आपने हर मूल के लोगों को सुना, मुस्लिम चाहे हम मुस्लिम मूल के लोगों की बात करें चाहे हम भारतीय मूल के लोगों की बात करें, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भारत के बाहर भी कितनी ज्यादा है। अब अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो ओपनिंग सेशन को कॉप 28 के पीएम संबोधित करेंगे, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी वो हिस्सा बनेंगे, उसकी जानकारी दीजिए। और निश्चित तौर पे आपने बताया जो कॉप 28 के संबोधन के अलावा जो नजरें टिकी रहेंगी वो इस बात पर कि इसराइल के राष्ट्रपति के साथ उनकी बायलेटरल मीटिंग होनी है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी बायलेटरल मीटिंग होनी है, मालदीव के साथ, गुयाना के साथ, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के साथ, और साथ ही साथ जो सबसे दिलचस्प मुलाकात होनी है इन सबके अलावा वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ लंच के दरमियान मुलाकात होनी है। और भारत फ्रांस के रिश्ते हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोज रोज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उस संदर्भ में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दुबई में हैं तो दोनों लंच के दौरान मुलाकात करेंगे। तो ये एक दिन का पीएम का दौरा है और उसको समझा जा सकता है कि कितना हेक्टिक शेड्यूल आज का दिन भी है पीएम मोदी के लिए। लेकिन जो दिलचस्प चीज नजर आई वो ये कि जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी चाहे किसी भी देश में जाएं उनकी लोकप्रियता ऐसे ही देखने को मिलती है और जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो कई घंटे से वहां खड़े थे सिर्फ पीएम के एक झलक पाने के लिए। आप देखें तो किसी भी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री कुछ सेकंड के लिए बस जा पाते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड उनके लिए इतना खास होता है, उन लोगों के लिए उसके लिए वो घंटों इंतजार करते हैं। और चाहे राज्यों में जो चुनाव, पांच राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके बाद की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, तो उन एग्जिट पोल के नतीजों में भले ही बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक तस्वीर ना नजर आ रही हो लेकिन लोगों को कोई भ्रम नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन लोगों ने एक नया नाराज दे ही दिया वहां भी विदेश में भी कि अब की बार 400 पार। तो ये सारी चीजें बीजेपी को बहुत उत्साहित करने वाली रहती है कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। और बिल्कुल देवेंद्र, और ये जो नारे वहां लग रहे हैं दुबई में वो इंडियन वोटर्स को भी एक मैसेज दे रहे हैं। मेरा एक और सवाल, क्योंकि आज कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे जिसमें दो कार्यक्रम भारत और स्वीडन और दुबई से अध्यक्षता में हो रहे हैं, उसमें से एक ग्रीन कार्ड कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइए किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसमें क्या क्या रहने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विषय को देखें तो वो हमेशा से ही भारत का जो स्टैंड है वो ये बताते रहे हैं कि भारत के लिए कार्बन इमिशन की जो शर्तें हैं उसको कई ज्यादा आगे बढ़कर भारत खुद का पालन करता है, उसमें लगातार कमी करता है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत का जो आग्रह है भारत लगातार उसकी बात करते रहता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो भूमिका रही वो सभी जानते हैं। तो पर्यावरण को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही बहुत ज्यादा आग्रही रहे हैं और ऐसे में वर्ल्ड फोरम पे जब भी उनको कोई मौका मिलता है वो जरूर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़े, सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, जो कार्बन इमिशन है उसको लगातार कम करते जाएं और उसी सिलसिले में आज का भी उनका संदेश होना है। अच्छा देवेंद्र, जिस तरीके से आज एयरपोर्ट से होटल तक मोदी मोदी की गूंज के नारे नजर आए वो तस्वीरें भी हमने आप दर्शकों को दिखाई और आपने भी बहुत अहम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।